alaikum and a very good morning. Jaago Lahore ke saath main hu Syeda Armala Hassan. Umeed karti hu aap sab bilkul theek honge, mazay mein honge, show tune karna hargiz nahi bhulenge. Janab, aapka aur hamara saath rehne wala hai 9 se 11 baje tak aur aapke saath aaj humne bahut sari baatein karni hai aur sabse badhkar pehle humne aaj sports ki baat karni hai kyunki aap jo hai टॉप फोर उसमें मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होने वाला है, उसके हवाले से भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान अब कमबैक कर सकेगा. दो मैच हारे हैं और उसके बाद अब इंडिया से हारे हैं. ये भी एक सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ये होती है कि इंडिया से हारे. चल ना, पहले शो के आगाज़ में रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं और अपनी नौयत की चोरी की एक अनोखी वारदात है जो की है जनाब स्कॉटलैंड में. चोर ने 60,000 शहद की मक्खियाँ जो हैं वो ले उड़े. स्कॉटलैंड की बात की जाए तो वहाँ पर जनाब एक शख्स जो बहुत ज़्यादा शौकीन था, उसने एक फार्म भी रखा जिसमें वो शहद की मक्खियों को उनकी अफजाइश करके उसके बाद शहद निकालने का जो प्रोसीजर है उसमें करता था. तो जनाब फार्म पर गए चोर और उन्होंने 60,000 जो शहद की मक्खियाँ हैं वही चुरा ली. दो रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया जनाब. कोई कीमती हीरे जवाहरात नहीं लेकर गए बल्कि मक्खियाँ ले गए और फार्म से शहद की मक्खियाँ चोरी करने वाला शख्स शहद की मक्खियों का फार्मर ही है क्योंकि शहद की मक्खियों को बहुत एहतियात से निकाला जाता है. और फार्म के जो मालिक हैं जिनका चोरी है उन्होंने कहा कि उन्होंने मुलाजमत के बाद सोचा कि वो रिटायरमेंट के बाद शहद का कारोबार शुरू कर देंगे. लेकिन शहद का कारोबार वो क्या शुरू करते हैं, उन बेचारों ने इतना टाइम लगाया. लेकिन चोर जो है जो फार्मर ही था बेसिकली, क्योंकि वाकई शहद की मक्खियों को लेकर जाना और 60,000 शहद की मक्खियों, उन्होंने कहा कि एक दिन मैं फार्म पे आया तो मैंने देखा कि गेट भी खुला हुआ था और टायर के निशान भी थे. मैं परेशान हूँ, अंदर देखा तो जनाब मेरी मक्खियाँ ही गायब थी और जो उनकी उम्र भर की कमाई थी वो चोर लेकर रो गए. जनाब इन मक्खियों की कीमत जो है वो 700 पाउंड है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी अफजाइश में बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत मेहनत दरकार होती है और बहुत वक्त दरकार होता है. तो ये तीनों चीज़ें जिनके पैसे, टाइम और मेहनत है, वो सारी चीज़ें बेकार चली गई उस वक्त जब चोर जो है उनकी 60,000 शहद की मक्खियाँ लेकर चले गए. वैसे अपनी नौयत का अजीब से वाकया है, मतलब आपने चोरी कोई चीज़ इधर उधर करते हुए समझ तो आती है लेकिन शहद की मक्खियाँ, और डेफिनेटली उसको भी फार्मर ही होगा जिसको ज़रूरत होगी. तो जनाब ये थी कुछ इंटरेस्टिंग सी चोरी जो हमने आपके साथ शेयर की. चोरी भी इंटरेस्टिंग हो सकती है, पहली बार सोचा था. इसके अलावा जनाब सिंगापुर की बात की जाए, जिसे कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन सिंगापुर को जनाब रंग बिरंगी लाइट्स के साथ सजा दिया गया. मिड ऑटम फेस्टिवल के मौके पर जो उनका ट्रेडिशनल एक लाल टेंट जिसको कहते हैं उर्दू में, लेकिन ये लैम्प्स और जो भी आप कह लें उस तरह का शो सजाया गया. इसमें लाइटिंग बहुत ज़्यादा की गई और इस फेस्टिवल का इनेकाद हर साल किया जाता है जिसमें हर तरह की लाइट्स और मुख्तलिफ जो हैं शेप्स, मुख्तलिफ जो एक कह लें लोगों की तस्वीर या जो कल्चर को रिप्रेजेंटेशन है वो लाइट्स के थ्रू की जाती है. और सिंगापुर के अंदर इस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया. लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इस फेस्टिवल को देखने के लिए और ये उनकी टूरिज्म के हवाले से भी बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है जो हर साल वो करवाते हैं. और वैसे भी सिंगापुर पे आप टूरिज्म को तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन चूँकि ये फेस्टिवल होता है, रोशनियों का फेस्टिवल है, तो लोग डेफिनेटली यहाँ पर जाते हैं. तो ये थे जनाब आज की हमारी रिसर्च. क्रिकेट के मैदान के मौसम की बात करेंगे. यूएई में बहुत गर्मी हो रही है और गर्मी की वजह से खिलाड़ियों को भी बहुत मुश्किल हो रही है. हालांकि कहा यह जाता है कि हमारा होम ग्राउंड है और इस होम ग्राउंड में हम जब खेलते हैं तो पिछले दिनों वाकई हमने देखा इंडिया से हम दो मैच हारे हैं, सबसे दुख की बात यह. और आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होने वाला है और कौन जीतेगा, जो जीतेगा वो ही जाएगा फाइनल में क्योंकि इंडिया के साथ होने वाला है मुकाबला. वैसे तो हमारे साथ हम डिस्कशन करते हैं स्पोर्ट्स की जब जब, तो हमें मुझे तो वैसे इंडिया की बात करते हुए अफसोस हो रहा होता है कि आप इंडिया से मैच हार जाएं. आज का दो मैचेस देख के मुझे नहीं लगा कि हम आईसीसी जीते हुए, लेकिन खैर कोई बात नहीं जनाब. आज हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद होंगे, चौधरी इरफान जहीर हैं, इनसे हम बात करेंगे और ज़रा जानेंगे कि आज के मैच में क्या चांसेस हैं. वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सबसे पहले तो मुझे इनवाइट किया फर्स्ट ऑफ ऑल. नहीं नहीं, इट्स ओके. अच्छा चौधरी साहब, ये हम जानना चाहते हैं जहीर साहब, क्योंकि समटाइम्स हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करते हैं बहुत थ्रिल होता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन अब हमने फाइनल में जाना है तो इंडिया से मुकाबला होना है. बिल्कुल ऐसे ही. तो आज के मैच में क्या हम फाइनल तक पहुंचने की वो कैपेबिलिटी रखते हैं? देखिए, अगर आप रियलिटीज को देखें, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं रिगार्डिंग क्रिकेट, तो पाकिस्तान को प्ले फर्स्ट से सबसे ज्यादा एज हासिल है इसमें, क्योंकि हम जितना पाकिस्तान में जब से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है 2009 से, जब इंसिडेंट हुआ था श्रीलंका वाला,
उसके बाद से हम अपनी तमाम होम सीरीज जो है वो यूएई में खेल रहे हैं बिल्कुल। और जैसे अब पाकिस्तान इस एशिया कप में आया था और वी वन द चैंपियन ट्रॉफी एज वेल, तो वी वर द फेवरेट एग्जैक्टली ठीक है। और पर्टिकुलरली आफ्टर द कोहली तो कोई भी नहीं कह रहा था कि वी आर नॉट फेवरेट, और जिस तरह हम दो मैच हार गए तो स्टिल आई वुड से कि पाकिस्तान बहुत फेवरेट है। अच्छा, हमें उन चीज़ों का उस तमाम जो ग्राउंड्स की पिच कैसे रिएक्ट करती है, शुरू में पेस स्लो होता है, बैट पे बॉल नहीं आती, ग्रेजुअली वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, फिर रात को सेकंड टाइम में बैटिंग जरा इजी होती है, जैसे वो सरफराज पे क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि उसे सेकंड बैटिंग करनी चाहिए थी, वो भी समहाउ ठीक क्रिटिसाइज था, बट क्योंकि वी आर नॉट गुड चेजर तो उसने डिसीजन लिया। तो सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए आई वुड से कि पाकिस्तान इज स्टिल फेवरेट, जो कुछ लोग नहीं इसको एग्री कर रहे हैं। जहीर साहब, अक्सर लोग टीम और मैनेजमेंट पे सिलेक्शन पे बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कहा जा रहे हैं उनको खिलाना चाहिए था जिनको नहीं खिलाया गया, तो वो स्पिनर्स के लिए बड़ी एक सूटेबल सी पिच है, वहाँ पर हमारे पास स्पिनर आपके सामने है, क्या सूरत हाल है? जी जी जी, उसमें एक आई पर्सनली फील, लेकिन वो इमाद वसीम मिसिंग है, अगर तो वो फिट था तो ऑब्वियसली ही वाज द फर्स्ट चॉइस। एक चीज ये है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो एक ऑलवेज उसकी एक बॉल अंदर आती है, पर्टिकुलरली विद द न्यू बॉल। लेकिन उनके तो फिटनेस कितने मेजर इश्यूज आ चुके हैं, इशू है, लेकिन इट इज स्टिल डाउटफुल। अगर आपके पास समाज की ऑप्शन नहीं थी तो हफीज वाज द बेस्ट ऑप्शन। एग्जैक्टली, हफीज आपके पास इन सब कॉन्टिनेंट के पिचेस के अंदर, जैसे आपका शेख मलिक परफॉर्म कर रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम हफीज एज वेल। आप उसमें ऑस्ट्रेलिया या दूसरी पिचेस पे तो आप कह सकते हैं कि सर हफीज साहब परफॉर्म नहीं करेंगे, बट यूए की पिचेस के अंदर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, ये द टॉप स्कोरर, और उसने आपको ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्म करके दिया, और आपको दरमियान में ऐसा सीनियर प्रो चाहिए लाइक शेख मलिक जो आपको परफॉर्म करके देगा, बॉल भी देखा है, ही वाज अ लाइफ सेवर शेख मलिक। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, और वो आपको 5-6 ओवर 7 ओवर भी करके दे सकते हैं। बैटिंग में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि हफीज फॉर लास्ट 2 इयर्स ही इज नॉट डूइंग ओपनिंग, आप उनको मिडिल ओवर में भी यूज कर सकते हो, विकेट स्ट्रेट है, आप ओपन पे भी लेके आ सकते हो, किसी भी नंबर पे आप लेकर जाना है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको 3 ओपनर ऐसे आपने कैरी कर लिए, शान मसूद भी गए, शान मसूद ने भी करंटली ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली हुई ठीक है काफी टाइम के साथ, और इधर आप एकदम उनको इंडक्ट कर रहे हैं और फिर उनको बाहर बेंच पे बैठा रहे हैं, तो आपको सीन अभी इसको फोकस करना चाहिए था। बेटर ऑप्शन जी well, बिल्कुल, हालांकि वो टॉप 15 में तो है 100% ऐसी बात है, आप नए लड़के को जैसे शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, वो अनलकी भी रहा, बट क्रंच गेम के अंदर आपको एक्सपीरियंस मैटर करता है, यंगस्टर भी मैटर करते हैं, बट आपको कॉम्बिनेशन चाहिए होता है उसके साथ, आपका अभी किसी मैच में आपने उसको चांस नहीं दिया, और उसका एक्सपीरियंस खासतौर पे उसका जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया, इट इज द बेस्ट वन, उसने आपको इंडिया के अंदर जाके मैचेस जितवाए, और इन पिचेस के अंदर उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अब मेरे क्योंकि कुछ सारे क्रिकेटर्स भी दोस्त हैं, उनसे बात होती रहती है, तो दे वर सेइंग कि उसका पेस कम है, भाई पेस तो कई बॉलर्स का काम है, इंडिया के किस पेस, सिर्फ बुमराह के अलावा किसी का पेस नहीं है, पेस नहीं है, तो हमारे तो सबके उनसे बेहतर है पेस, तो एक वो मिस्टेक है। हमें अभी 2 गेम्स हैं, आज की गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रंच गेम है, उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए जुनेद को, किसी को भी आप बिठा के, मैं नहीं खैर अभी सोचता कि आमिर को बिठाना चाहिए, नो डाउट कि वो विकेट नहीं ले सका, लेकिन अभी भी वो आपका प्राइम बॉलर है ठीक है, आपको उसी पर रिलाई करना चाहिए, साथ उसका कॉम्बिनेशन रखना चाहिए जुनेद खान के साथ ठीक है, शाहीन को थोड़ा सा भी टाइम दें, मतलब ऑब्वियसली उसको भी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट और यूज्ड होने में बहुत टाइम चाहिए होगा, जैसे वो फ्रस्ट्रेट हुआ उसके बाद उसकी वो एकदम पैनिक कर गया, हम बैटिंग के अंदर भी व्हाट वी डिड के हम सारे का सारा लाइक कर रहे थे, हमारा ओपनर परफॉर्म करेंगे, फखर करेगा, वो करेगा, और हम आराम से चैंपियन फखर की बात की है, अब वो हमेशा हम उनको इस बात से कह के बचा लेते हैं कि बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े मैच में परफॉर्म करता है, लेकिन लास्ट 2 मैचेस में अब मुझे लगता है कि T20, ये तो आप ऐसे बताइए, T20 फॉर्मेट देख देख कर रहा और खेल खेल कर ये 50 ओवर्स वाले में बहुत पैनिक हो जाते हैं, और ये उसी तरह से खेलते हैं जैसे बहुत जल्दी में, और हमने देखा है दोनों मैचेस में जैसे अब इनको बहुत जल्दी है कुछ खेलने। अभी आप देखें ना 90s में जैसे हमने उस 90 एरा के अंदर पूरी सक्सेस ली, 10 इयर्स डेकेड पूरा लिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने 10 इयर्स राज किया, तो उसमें क्या था कि वो कंसिस्टेंट रहते थे, आप उनकी पूरी हिस्ट्री देख लें, अगर वो चेंजिंग भी करते तो 1-2 प्लेयर की करते थे, वट वी आर डूइंग के अच्छा वो उस पर सारा 1 प्लेयर पे रिलाई कर रहे हैं, वो नहीं किया तो पूरी टीम पैनिक हो रही है, अच्छा वो आउट हो गया तो अब क्या करेंगे, बैटिंग ऑर्डर चेंज करना शुरू कर देते हैं, अच्छा सरफराज को खुद समझ नहीं आ रही मैंने खुद किस नंबर पे आना है, सरफराज की पोजीशन इस टाइम पूरी टीम में सबसे क्रूशियल है,
वो ना मिडल ऑर्डर पे खेल सकता है ना ओपन पे आ सकता है. उसका नंबर 4 इज द परफेक्ट नंबर क्योंकि वो मनूवर करता है. उसको ही नीड्स टू क्रिएट अ पार्टनरशिप. तो उससे अच्छा पार्टनरशिप बिल्डर आपके पास कोई भी नहीं है. तो आपको इस सरफराज को खुद चाहिए अपने आप को रोल को डिफाइन करे जैसे उसने लास्ट गेम में किया. यही उसकी पोजीशन बनती है ना पहले ना बाद में. बाद में आपके पास कुछ अच्छे हिटर हैं. सबसे बेहतर मोहम्मद आसिफ आ चुके हैं आपके पास. उसको टाइम देना चाहिए. उसको भी टाइम चाहिए क्योंकि आसिफ की हमने हिट तो देखा वो सही कर रहे लेकिन वो भी पैनिक हो रहे थे. जी ऑब्वियसली अभी नया लड़का है उसको आपको मार्जिन देना चाहिए और वो एंड ओवर्स में आ रहा है. ये विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लेयर बनते हैं क्योंकि आप एक पीएसएस के बाद टीम में इंडक्ट कर रहे हो. सबसे बड़ा तो सिस्टम का फ्लॉ है ना जी. आप पहले एक प्लेयर्स को कंटिन्यूसली कुछ टाइम खिलाएं उसको जब वो मैच्योर हो जाए. डोमेस्टिक क्रिकेट तो आप खिलाते ही नहीं ना. जी जी जी. डायरेक्ट लीग से उठाते और आप नेशनल टीम में. अब वो देखे ना बड़ा एक मीडिया की वजह से क्या हो गया कि आपने टीवी पे परफॉर्म कर दिया. यू आर इन द टीम वो सबसे बड़ा आपके पास प्राइम चांस बनता है. पीएसएल पीएसएल में आप यू डिड परफॉर्म आपने बताया. देखिए ज्यादातर लोग पीएसएल के सारे वो जी बिल्कुल ऐसे ही है. सरफराज उसमें आपको पहले शादाब मिला फखर भी हसन अली मिला ये सारे आपको उस जगह से मिले. बट द थिंग इज कि आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा पेशेंट होना पड़ेगा. टीम में हमेशा एक दो प्लेयर्स की चेंजिंग होती है. ये कभी नहीं होती कि आपका एक मैच आ रहे तो तीन चेंज कर दे चार चेंज कर दे अच्छा जो बैठे इनको खिला ले ऐसे नहीं होता. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया आपका. ना ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे.